इंसान की फितरत बड़ी अजीब होती है। उसे तब तक कोई बात समझ में आती ही नहीं है जब तक वो खुद से नुकसान ना झेल ले, और जब वो मुसीबत में फंस जाता है, उसका बुरा समय आ जाता है, तब वो ये रोना रोता है कि किसी ने मुझे सही समय पर समझाया क्यों नहीं। लेकिन उसी इंसान को जब सही समय पर कोई बात समझाई जाती है, तब वो किसी की नहीं सुनता। वो इसीलिए किसी की नहीं सुनता क्योंकि उस समय वो अपने मन की सुन रहा होता है। थोड़ा सा सो लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, जल्दी नहीं उठेंगे तो क्या जाएगा, अरे आराम करना भी तो बहुत जरूरी होता है। ये सारी बातें आप नहीं, आपका मन आपसे कहलवाता है। जरा अपने मन से एक बार ये कहकर देखो, थोड़ा सा नहीं सोओगे तो क्या बिगड़ जाएगा, थोड़ा सा जल्दी उठ जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा, जिंदगी में मेहनत करके कुछ हासिल कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। तब आपका मन आपसे कहेगा कि कुछ बिगड़ेगा नहीं बल्कि बहुत कुछ बेहतर बन जाएगा। जरा सोचो, तुम क्यों पैदा हुए हो इस धरती पर, तुमने जन्म क्यों लिया है, क्यों खा रहे हो और क्यों जी रहे हो। अगर अपनी जिंदगी बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी जोश के जी रहे हो तो याद रखो, ऐसा तो जानवर भी करते हैं, लेकिन शायद वो तुमसे बेहतर हैं, क्योंकि उनके पास एक लक्ष्य है कि उन्हें अपना पेट भरना है। लेकिन क्या मनुष्य और जानवर में कोई फर्क नहीं होता, या मनुष्य बस इतना ही कर सकता है कि दिन भर बैठकर मोबाइल में अपना समय गंवाता रहे, दिन भर फालतू के गेम्स खेलता रहे और बाकी बचे समय में सोता रहे, हर चीज के लिए दूसरों को दुहाई देता रहे। एजुकेशन सिस्टम खराब है, जॉब नहीं मिलती, पैसा माना मुश्किल हो गया है, लॉकडाउन की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा। याद रखो, इसी खराब एजुकेशन सिस्टम में कई लोगों ने पढ़ाई करके अपना जीवन बना लिया, अपने माँ बाप को गर्व महसूस करवा दिया। बेरोजगारी के इस दौर में लोगों की बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां लग गई, लोग एक से बढ़कर एक बिजनेस खोल चुके हैं। जहां तुम्हें पैसा कमाना मुश्किल लग रहा है, वहां लोग महीने के इतने पैसे कमा रहे हैं जितना शायद तुम आने वाले 10 साल में भी ना कमा पाओ। तो जरा अब ये सोचो कि जब दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं, तो तुम क्यों पीछे छूट रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि दूसरों की नकल करो, उनके पीछे भागो, लेकिन इतना तो कर ही सकते हो ना कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आलस्य को छोड़कर मेहनत का रास्ता पकड़ो। इतना तो कर ही सकते हो ना कि आने वाले दिनों में तुम्हें अपनी जरूरतों के लिए दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इतना तो कर ही सकते हो ना कि जब कोई तुमसे पूछे कि तुमने जिंदगी में क्या किया, तो तुम्हारे पास एक जवाब हो। जवाब तो अभी भी है तुम्हारे पास हर सवाल का, लेकिन याद रखो, वो जवाब नहीं, वो एक्सक्यूज है, वो एक बहाना है तुम्हें खुद को सही साबित करने का, दुनिया को ये बताने का कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए तो उसके पीछे क्या कारण था। ये बहाने तुम्हारे मन को तो संतुष्टि दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को कुछ नहीं दे सकते। ये तुमसे वो सब छीन लेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसलिए कसम खा लो कि कल की सुबह जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। अपने आलस्य को बीता हुआ कल बना दो। आज जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आज से ही प्लानिंग करो कि कल का तुम्हारा दिन कैसा जाने वाला है, तुम्हारा क्या रूटीन रहेगा, क्या रहेगा तुम्हारा काम करने का तरीका। याद रखो, अगर प्लान नहीं बनाया तो एक एक करके यूं ही तुम्हारा हर आने वाला दिन बेकार चला जाएगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस ये कहना चाहता हूँ कि साधारण तरीके से आप असाधारण व्यक्ति नहीं बन सकते। अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बना दे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।